ओ जिमी, आ गया पापा। आ चलें तेरी गाड़ी मोड़ रखने। ओ सॉरी गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज हम ना जिमी की गाड़ी को मोड़ फेंकने जा रहे हैं। ये देखना, आप जैसे आपने देखा इसमें लेवी वगैरह लगी है, इसका हमें ओरिजिनल परमिट चेक करना है। ये तो मुझे कही जा रहा है कि पापा जी मैंने मोड़ फेंक करवानी है। पापा जी रुके, मैं आ रहा हूँ। वो जल्दी आ जाए, जल्दी टाइम नहीं है। तो गई इसमें, उन्होंने कहा था इसके नीचे ना रेड कलर, मैंने इसके ट्रंक वगैरह खोल के देखी थी तो इसके नीचे रेड कलर नज़र आ था, पर हमें क्या पता कि रीपेंटेड है। पर हमने इंस्पेक्शन वगैरह करवा ली थी गाड़ी लेने से पहले, तो मुझे तो गाड़ी को सही लग रही थी। तो इसके पीछे गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगी, हम इसमें ना उतार के जिमी के नंबर प्लेट लगवाते हैं, शायद पंजाब या इस्लामाबाद की लगवाते हैं। पापा जी, मैंने मॉडिफाई भी करवानी है गाड़ी, मैंने मॉडिफाई करवानी है, अगर ना तो मैं सेल कर देनी है। और जिमी, ये अगर ना मुड़ गए तो सेल नहीं करनी है, मैंने गाड़ी नहीं लेके देनी। पापा जी, मैंने सेल करके फिर ना आपसे पैसे लेके शोरूम लूंगा, कैसा? दो दो काम हो गए ना। ये भी सही है, पर गाड़ी देख ले फिर दूध जाएगा किस पर। आपकी ऑडी पर ट्रेसी ना ना, मेरी ओडी ले, मैंने अपना काम नहीं करना होता। ट्रेसी गाड़ी ले जाए, मैंडा की गाड़ी ले जाए। ना ना पापा, उनमें बहुत ही बड़ी आती है, इतना मेकअप लगा के जाती रहती है, मैंने नहीं जाना उसमें। चलो हम यहाँ पर करीब आ गए, चलो हम इसे पूछते हैं कि क्या क्या हो सकता है, इसका कितनी मोटिफाई हो सकती है। वही देखो, लड़ा हाथ हो गई इसमें, पूरा तार देते हुए थे, सेटिंग शूटिंग करते हुए थे। पापा जी, इसका तो बम्पर छपर लगे, मैंने नहीं खड़ी रखनी। और जिमी, बम्पर क्या गाड़ी इतनी भारी है, देखो कितने अबा ना करे, मेरी गाड़ी है। पापा लेके किसने दिया तुझे, दा लेके किसने दिया। जी, प्लीज ना करे, मेरी गाड़ी है, अब प्लीज। तो गाड़ी हमने इसके पीछे जिमी की नंबर प्लेट भी लिखवा दी, देख सकते हैं आप। पापा पापा जी, मेरी गाड़ी सेल कर देनी, मैंने टूटा सोपा लेनी है। कभी दुखा तो है, मैंने बोल लेनी, कभी कहता टूटा सूप लेनी। एक माइंड बना ले, शोरूम लेने हैं, गाड़ी लेनी है, बता दे। मैं तो ये 10 ही गाड़ी का बनवा लेता, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या करना है मुझे फाइनल बता। पापा जी, ऐसे करते हैं, गाड़ी सेल करके ना शोरूम ले लेते हैं, क्या बा? ऐसा नहीं करके शिपमेंट भी आते हैं कि नहीं करना, टेस्ट भी करते नहीं कि आप मेरे शोरूम आके पैसे छापते रहना, क्या बात है। वाह भाई वाह, शोरूम तो खड़े थे चलाऊँ मैं। भैया मैंने और कोई काम नहीं आते, मैंने दूसरे बिजनेस में भी पैसे लगाए होते हैं, वहाँ से मैंने करोड़ों 2 करोड़ रुपये छाप रहा था। पापा आपके तो मजे हैं, मैं बेचारा कुछ ही नहीं कमा रहा, मैंने शोरूम लेना, मुझे नहीं पता मैंने शोरूम लेना है। अच्छा ले लें, पहले गाड़ी को सेल करवा, उसके बाद शोरूम ले लें। पापा ऐसे करें, गाड़ी भी रखते हैं, शोरूम भी लेते हैं। यार इस साथ फिर डबल डबल काम है, ऐसा नहीं करना, पहले गाड़ी सेल कर, उसके बाद शोरूम ले, उसके बाद शिपमेंट मंगवा, उसके बाद जो शिपमेंट आएगी उसमें एक गाड़ी दे। ठीक है पापा जी, फिर मैं सबसे पहले शिपमेंट में बुगाटी शिरोन की मंगाता हूँ। हैं वो कौन सी गाड़ी, पापा 10 करोड़ रुपए की गाड़ी है। और ज़्यादा दफा हो जाए भाई, सस्ती गाड़ी मंगा जाए, टोयोटा करोला वगैरह। पापा देखते हैं, पहले शोरूम तो आने दें, उसके बाद देखेंगे। पापा चल ठीक है, अब यहाँ वो गाड़ी लगाते हैं, हम देखते हैं क्या हिसाब किताब है गाड़ी का। जंत्री लगा दें गाड़ी, नहीं पापा, इधर से फोटो शूट करना है, मैंने एक गाड़ी लगानी है इंस्टाग्राम पर, स्टेटस लगाना है। और मैं अपनी गाड़ी पार्क अंदर खड़ी कर आया था। नहीं नहीं पापा, मैं भी आ लूँ, भाई इतनी महंगी गाड़ी। पापा रुके, पापा जी, इसका तो मटेरियल ही बड़ा कमाल का है, कितने के लिए आपने? मैंने बताया तो था, मैंने 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की ली थी, सारा कुछ कस्टम सिस्टम डाल के। अरे पापा आपके तो मजे, मेरे तो मोल लेके आपने मुझे मैंने ये डांस बैक, नहीं आपको बुलाना, आपने इतनी महंगी गाड़ी ली, मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए के फोन लेके थे, मुझे भी ऐसी खड़ी चाहिए, लेके दे मुझे। ओ भाई जान, बस कर जा, बस कर जा,
कभी कहते शोरूम चलाना, कभी कहते गाड़ी लेनी, मुझे बस बता दे क्या लेना है। ओ जिमी, अरे पापा आ गया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।